अलीगढ़ से हैं रविंदर जी, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्ते। हकीम नमस्कार सर। साहब से बात करनी थी। हकीम जी स्वागत है आपका। रविंदर जी जय हिंद। साहब मेरे बॉडी में पूरी में पेन था जी और मैंने आपके बोलते रहिए। यहाँ से नमक वो मंगाया, नमक गोन चिया, गौन सिया जी। तो गोन चिया से मुझे आराम है। अब मेरे पेट में थोड़ी मतलब परेशानी है, पेट साफ नहीं होता और लीवर पे सूजन लगाई है। उसके लिए मैंने नमक जैतून मंगाया है। नमक जैतून और ये कैसे कैसे खाना है, क्या क्या परहेज है, ये मुझे बताएं। ठीक है ठीक है। बहुत मुबारक है आपको, भगवान ने फ़ायदा दिया। बेशक इसमें नाम मेरा होता है लेकिन ये फ़ायदा देने वाला भगवान ही है। और आपको एक दवा से फ़ायदा हुआ, दूसरी दवा आप तक अगर पहुंच गई है तो नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं। तो ये पानी में मिला के रखें और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, 6 चीज़ें हैं। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, मेथी का दाना, इन 6 चीज़ों को पाउडर बना के रख लें। सबका वज़न बराबर बराबर हो, मतलब 100 ग्राम लें तो सब 100 100 ग्राम। इसकी एक चम्मच, छोटे चाय का चम्मच भर के खाएं और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के पी लिया करें दिन भर में एक बार या 2 बार, तो आपकी ये समस्या भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, जी पंजाब से हैं पृथ्वीराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मसीन साहब को नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। मसीन साहब लो बीपी की शिकायत रहता है जी लो बीपी का शिकायत रहता है जी। लो बीपी की ठीक शिकायत है ठीक रहती है। है। देखिए अलसी ले, दो दो 300 ग्राम अलसी ले लें और अच्छा उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें। एक चम्मच अलसी खाएं और एक चम्मच अलसी और उसमें 2 चुटकी हल्दी मिला मिला लें और ये 1 चम्मच खाएं और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला के इस पानी से आप ये चीज़ें खाएं दिन में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। तो 3 महीने अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हरियाणा से हैं रानी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, हकीम सुलेमान से बात करनी थी। जी जय हिंद, स्वागत है रानी जी। हाँ जी नमस्कार जी। वो है ना, मैं बहुत दिन से कॉल लगा रही, लगी नहीं पा रही थी, आज तो लग गई। मैंने ना, मेरे ना बवासीर है और मेरा पेट बढ़ रहा, मेरे थायराइड भी है, मेरे सांस की प्रॉब्लम भी है और मेरे ना आधा हिस्सा पेट से नीचे नीचे लीवर से गर्म रहता है। रात मैंने बुखार चेक करवाया तो नड़ीन में बुखार था और मेरी जीभ के नीचे छाले हैं, 4-5 साल से दुखते नहीं है, कुछ नहीं होता है उनके। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मैं चल भी नहीं सकती, लटक आके गिरने को हो जाती हूँ। और बाबा सिर के मारे कौन सी, आप बता रहे हो, बहुत सालों से प्रोग्राम देखती हूँ मैं आपका पर मैंने आज तक यूज नहीं किया। अब मंगवाया था यहाँ से, हिसार से लिया था, कौन सा थोड़ा सा खाया, 5-10 दिन आराम आने लग गया, फिर मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम थी होने लगी, फिर मैंने छोड़ दिया। आप अच्छा मेरे को बताओ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत साल से बीमार हूँ। 97 से मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कमर में, गोड्डे, बुरा हाल है। और अब तो अच्छा मैं मंजे पर उतर कर चल भी नहीं सकती सर। गौन से या क्या भाव लिया था आपने? इसने तो 100 ग्राम 100 रुपए का दिया था, मेरे को तो जान नहीं, 100 ग्राम कितने डली सी जी थी। कितने का, कितने पैसे का दिया था अंदाजन? 100 रुपए का दिया था सर मेरे को, तो ओहो, 100 का नकली ले पेन ली। 200 का। अच्छा नकली ले लिया आपने, हाँ जब जी जब भी ले असली ले एक तो। हाँ जी। और
ये जो रीढ़ की हड्डी में दर्द है उसके हाँ लिए जी असली जो है वो 100 रुपये का नहीं आता, 1500-1600 रुपये का आता है, तो किसी ने नकली दे दिया। यानी 1 ग्राम 15 या 16 रुपये का आता है, तो 100 ग्राम 1500 या 1600 रुपये का मिलेगा, किसी ने आपको नकली दे दिया। बेईमान लोग हर जगह हैं। तो ये आधा आधा ग्राम खाना होता है, किसी के अगर दर्द हो तो वो 100 ग्राम भी असली मिल जाए तो फ़ायदा मुमकिन है। अच्छा, आपको पेट की परेशानी और थायराइड और जितने रोग आपने बताए हैं उसका भी इलाज है, लेकिन जो भी चीज़ बताऊँ असली ही लें। देखिए, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, और सूखा हुआ आंवला 100 ग्राम, ये सब पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये भी नकली मत ले लेना, असली लेना। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाएं, और इस पानी से ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और आंवला का पाउडर, आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, ये सब असली लेके एक चम्मच सुबह खाया करें, एक चम्मच शाम, पानी के साथ, नमक जैतून और खाने के सोडे के पानी से। ये अगर आप 6-7 महीने लेते हैं तो आपकी थायराइड, आपका मोटापा, आपकी एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, 10-12 परेशानियों के लिए, थायराइड के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अपनी दवाएं भी जारी रखें और ये इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, इनके जीभ के नीचे छाले हैं लेकिन दिक्कत नहीं देते इनको। हाँ, ये जो मैंने बताया ये आपके छालों के लिए भी है और बहुत सारी बीमारियों के लिए, स्किन की प्रॉब्लम, छालों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, किडनी की सफाई, खून की सफाई, लीवर की सफाई, ये 10-12 रोगों में काम करता। तो मैम देखिए, आपके लिए नुस्खा एक है लेकिन असर आपको बहुत सारे दिखेंगे, तो जल्दी से आप नुस्खे का सेवन कीजिए और लाभ उठाइए। अगले कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से, श्यामलाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी सर, सवाल हाँ, करिए। मैं श्यामलाल निषाद बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी सर, मैं शुगर के पेशेंट हूँ। मैं कब से है शुगर आपको? हाँ, मैं श्यामलाल निषाद बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी, सर आपको शुगर है, आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज हाँ, कम कर दीजिए। मेरे को शुगर है, हम्म, शुगर पेशेंट हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये है, मेरा पत्नी का कमर दर्द है। ठीक है, शुगर 10 साल करीब हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, डायबिटिक मरीज याद रखें कि डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की दवाएं अच्छी हैं जो आप खा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नुकसान भी छोड़ कर जाती हैं। उन नुकसानात को रोकने के लिए और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए उन दवाओं के साथ, अगर आपको सिरका यूज़ करना आता है तो कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच पानी में मिला के खाने के बाद लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार, तो ये डायबिटीज़ को फ़ायदा पहुंचा कर, डायबिटीज़ को कंट्रोल तो करता ही है, कोलेस्ट्रॉल को भी करता है, ब्लड प्रेशर को भी करता है, दिल को भी कंट्रोल करता है। और ये डायबिटीज़ की दवाओं के होने वाले नुकसान को भी रोकता है, ये किडनी को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, पेट को, एसिडिटी को, कब्ज़ को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये चलता है, तो आप ये लें, डायबिटीज़ की 2 ही चीज़ें हैं, एक तो सिरका और एक वो भी आता है, दुनिया की सबसे तेज़ दवा जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की, तो वो अपने दवाओं के साथ लें, अपनी दवाएं भी ना छोड़ें। जामुन का गोंद आता है, एक असली ले, एक चुटकी सुबह, एक चुटकी में जितना आए, एक चुटकी शाम,
खाने से पहले खा लिया करें, आधा घंटा पहले, बस काफ़ी है, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको आपकी पत्नी को कमर में दर्द है तो एक तो वो वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, झाड़ू पोछा ना करने दें उन्हें, मेहनत ना करने दें कुछ दिन, वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें। और गौन सियाह लें, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, जो भी दवा मैं बताऊं आपको उसका असली होना ज़रूरी है, तभी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी यूपी से हैं मलीना जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब पहले एक बार और भी मिलाए थे तो पता ना हमारे नसीब खराब थे, शायद लाइन कट गया यहाँ से पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब आज फिर मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ, और आपसे और मैडम से बात करने से और खुश लग रहे मुझे। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब एक बात है, ये जो दर्द तो है, मैं कालागुन तो ले रही हूँ मगर एड़ी में दर्द हो रहा है, इसके क्या करूँ? कितने दिन से ले रहे हैं? हाँ, कितना फायदा है और कितने दिन से ले रहे हैं? डॉक्टर साहब वो जो घुटने में दर्द थी वो तो कम हो गया, पीछे की तरफ कुछ जो नाक है वो भी मोड़ नहीं रहे तो वो भी ठीक है, मगर ये जो एड़ी की दर्द जो है आज एक हफ्ते से हो गया, कम नहीं हो पा रही है। बच्चा ये बताइए आप कितने दिन से ले रहे हैं? 9 तारीख से ले रहा हूँ ये गोंद, काला गोंद। ठीक है ठीक है। हाँ, और डॉक्टर साहब मुझे 2-3 सवाल और भी है। बताइए। हाँ, मेरे हस्बैंड है वो, उनकी उम्र है 58, तो उनकी खांसी जो है होम्योपैथी से हो गई, कभी एलोपैथी, खांसी नहीं जा रही है मगर कुछ निकालती नहीं है, खुशक खांसी है मगर अंदर जैसे जैसे चूल पड़ती है, तो इसके लिए क्या करूँ डॉक्टर साहब? ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, गौन सियाह तो आप छोड़े नहीं, और ये जो एड़ी में बचा है दर्द आपके, ये भी उसी से जाएगा, और ये उसी का अंश है जो आपके नसों में खिंचाव था, घुटनों में दर्द था, ये उसी का अंश बाकी रह गया है, यानी आप 80-90% अच्छी हो गई हैं, 10% रह गया है। अगर आप गलती कर रहे हैं कोई, जिन चीज़ों से मैंने आपको मना किया है वो कर रहे हैं, तो ये दर्द नहीं रहेगा, और अगर उससे आप बाज आ जाएं तो ये दर्द भी जाना चाहिए। देखिए मेरी दो तीन अनुरोध होते हैं आपसे, इलाज के दौरान वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, और झाड़ू पोछा भी ना करें, जो ज़मीन में बैठ के काम करते हैं ना झाड़ू पोछा जैसे, ये भी ना करें, ये मेरे आपसे अनुरोध है, नहीं तो ये बहुत दिन लगेगा जाने में। अगर आप ये करते हैं तो ये छोड़ दें, गौन से और खाएं, 10-20% रह गया है, बस वज़न ना उठाएं और भगवान से मदद मांगें। और आपके पति के लिए बता देता हूँ, आपको तो यही नुस्खा फ़ायदा करना चाहिए पूरी तरह। इनके पति का खांसी है। देखिए एक आता है सपिस्तान, दवा का नाम है सपिस्तान, एक आता है उन्नाब, ये भी एक दवा का नाम है, और एक अलसी आती है, अलसी तो आप जानते ही होंगे, ये 100-100 ग्राम खरीद लें, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100-100 ग्राम खरीदना क्या मुश्किल है, उन्नाब की गुठली निकाल दें, और 30 ग्राम आपके किचन के गर्म मसालों में पीपला मूल होती है, पीपला मूल या पीपले कहते हैं, लंबी लंबी होती है 1-1.25 इंच की, जैसे शहतूत होता है ना ऐसी होती है, लेकिन वो सूखी भी होती है, ये एक तरह का गर्म मसाला है, 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बना लें, ठीक है। इस पाउडर को सुबह निहार यानी खाली पेट खिला दें 1 चम्मच, और गर्म पानी या चाय पिला दें, ये दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं, एक रात को भी सोते वक्त खुराक दें, आपके पति का भी अच्छा होना मुमकिन है। जी